आप देख रहे हैं लोकल ओशन, जहां आपको मिलता है रिव्यू सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट के। गाइस आज मैं आपके लिए क्लोथिंग रिव्यू लेकर के आई हूं, और ये रिव्यू जो है ये लिबास के सूट के रिव्यू हैं, और ये सारे सूट जो है मैंने मिंत्रा से खरीदे हैं, और मिंत्रा पे चल रही है इस टाइम सेल, काफी अच्छी सेल चल रही है, तो वहां से आप इन सूट्स को परचेज कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि लिबास भी एक इंडियन ब्रांड है, तो मुझे इस पर भी एक रिव्यू बना देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके अपने सारे सूट के रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले इसी सूट की बात कर लेते हैं जो मैंने पहना हुआ है। तो ये ब्लैक कलर का सूट है लिबास का, और गाइज अगर इस सूट के प्राइस की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो इसकी जो MRP है वो है 3499। ठीक है, अगर आप शोरूम से इसको खरीद रहे हैं तो 3499 का मिलेगा, बट अभी मिंत्रा पे आप जानते हैं ऑफर चल रहे हैं, करेंट में 1200 से लेकर के 1300 के बीच में मिल जाएगा। और क्योंकि मैंने 2-3 सूट खरीदे थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला था, उसके बाद मुझे ये 1162 का पड़ा था। तो गाइज अगर इसके मटेरियल की बात कर लूँ, तो ये है विस्कस रेयॉन फैब्रिक, ये ए लाइन शेप का कुर्ता है, नॉट प्रॉपरली अनारकली, इसको अनारकली नहीं बोलेंगे, ए लाइन शेप का है ये। एंड उसके अलावा जो नेक लाइन है इसकी, उस पर काफी अच्छी डिटेलिंग करी गई है, एक गोटा पट्टी से वर्क किया हुआ है, भी काफी अच्छे प्रिंट है। यही प्रिंट की डिटेलिंग आपको इसकी बॉर्डर पे भी मिल जाएगी। स्लीव्स की स्लीव्स आपको इसकी 3/4 मिल जाएगी, जिसपे आपको गोटा पट्टी की एंड इसी प्रिंट की डिटेलिंग मिल जाएगी। उसी प्रिंट का आपको इसका बॉटम ट्राउजर भी मिल जाएगा, एंड ट्राउजर में आपको 2 पॉकेट्स मिल जाएंगी। इसके कुर्ते में भी एक पॉकेट आपको मिल जाएगी। इलास्टिक वेस्ट बैंड मिल जाएगा आपको इसके ट्राउजर में। इसके अलावा जो इसका दुपट्टा है, दैट इज रियली वेरी गुड। सबसे अच्छी बात मुझे लिबास की लगती है, इनके दुपट्टों की लेंथ बहुत अच्छी होती है। आप बाकी सूट्स, मैंने और भी काफी ब्रांड के सूट लिए हैं मिंत्रा से, बट उनके जो दुपट्टे होते हैं ना, चौड़ाई कम होगी या उनकी लंबाई कम होगी, बट जो लिबास के दुपट्टे होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, एंड अच्छे खासे ब्रॉड भी दुपट्टे होते हैं। एंड इसमें आपको गोटा पट्टी एंड सेम वही बॉर्डर, जो प्रिंटेड बॉर्डर है वो आपको मिल जाएगी। और जो साइज मैंने पहना हुआ है ये है मीडियम, थोड़ा सा मुझे वेस्ट लाइन से लूज हो रहा है ये, ठीक है, लूज है, बट दिस इज कम्फर्टेबल, दिस इज वेरी कम्फर्टेबल। तो गाइज अगर आपको ये सूट अच्छा लगा है, तो इसके जितने भी परचेज लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाकर के इसको जरूर ले सकते हो। तो अब दूसरे सूट की बात कर लेते हैं। जो ये दूसरा सूट है, ये भी लिबास का सूट है, एंड इसका कलर बहुत सुंदर है, मरून कलर है ये। ये स्ट्रेट सूट है, इसकी MRP है 3499। ठीक है, और अगर आप अभी इसको मिंत्रा से खरीद रहे हैं, तो ऑफर प्राइस में आपको 1100 to 1200 के बीच में पड़ेगा, अप डाउन थोड़ा बहुत होता रहता है। मैंने 2-3 सूट साथ में लिए थे, तो इसलिए मुझे ये 1063 का पड़ा था। ठीक है, अगर इसके मटेरियल की बात कर लेते हैं, तो ये सिल्क ब्लेंड में आपको मिलेगा, सिल्क ब्लेंड में है। अच्छी बात है कि इसमें अंदर से लाइनिंग भी दी हुई है, आपको इसमें एक अंदर अस्तर भी मिलेगा, बट उस अस्तर के कारण ये है कि थोड़ा सा हैवीनेस लगती है सूट को पहनने के बाद, बट ठीक है, दैट्स ओके। कपड़े की सिक्योरिटी के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि जो सिल्क ब्लेंड के कपड़े होते हैं या जो सिल्क होते हैं, वो इतने ज़्यादा डेलिकेट होते हैं कि बहुत जल्दी फट जाते हैं या उनमें कट लग जाएगा, तो अगर उसमें एक लाइनिंग रहेगी तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अगर इसके कुर्ते की बात कर लें, तो ये नेक लाइन इसकी, इसमें आपको जरी वर्क मिल जाएगा, ऐसे बहुत सुंदर एंड फाइन डिटेलिंग है इसमें, देखिए। एंड स्ट्रेट सूट है, पूरा नीचे तक है। कुर्ते में आपको किसी तरीके का कोई पॉकेट नहीं मिलेगा, एंड स्लीव्स भी इसकी 3/4 है, स्लीव्स पे भी आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाएगी। एंड इसके अलावा अगर इसकी ट्राउजर की बात कर लें, तो ये भी सिल्क ब्लेंड में ही है, इसमें आपको लाइनिंग नहीं मिलेगी, तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, कैन यू सी, बट वो हाइड हो जाता है कुर्ते में के नीचे, वो हाइड हो जाता है, ऐसे कुछ दिखता नहीं है। लाइट कलर का होता तो ज़रूर दिखता, बट इस कलर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये ट्राउज़र में भी आपको नीचे गोटा पट्टी मिल जाएगी। और अगर इसके दुपट्टे की बात कर ली जाएगा, तो आई लव दिस दुपट्टा। ठीक है, इसके दुपट्टे के कारण ही मैंने ये सूट खरीदा था, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था। कैन यू सी द वर्क, द डिटेलिंग, बहुत सुंदर दुपट्टा है ये। मैं आपको पहले से बताना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा कलर छोड़ता है, तो आप इसको घर में वॉश मत करिएगा, और बाकी के कपड़ों के साथ तो बिल्कुल भी वॉश मत करिएगा, नहीं तो आपके बाकी के कपड़ों पे कलर चढ़ जाएगा। क्योंकि गाइज ये जो मरून कलर, ब्लैक कलर एंड फिरोजी कलर, ये कुछ ऐसे कलर्स हैं ना जो कलर छोड़ते ही हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप इसको ड्राई क्लीन ही कराएं, और अगर आपको घर में वॉश करना भी है तो फैब्रिक कंडीशनर है, आप उसमें वॉश करिए, या इजी में वॉश करिए, डिटर्जेंट में वॉश मत करिएगा। ठीक है, अदरवाइज
बाकी कपड़े तो खराब होंगे ही, इनकी क्वालिटी भी थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो गाइस अब तीसरा सूट जो है ये भी लिबास का है, इसका रिव्यू मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी ये करंट में ट्रेंडिंग में चल रहा है मिंत्रा पे, तो मैंने सोचा कि भाई इसका रिव्यू तो बनता है क्योंकि ये सूट मैंने 1 साल पहले लिया था, तो इसका काफी अच्छा रिव्यू मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है, ये भी ब्लैक कलर का सूट है एंड आई लव ब्लैक कलर, तो इसलिए ब्लैक कलर के मेरे पास बहुत सारे आउटफिट मिल जाएंगे आपको। ये सूट भी जो है ये भी ब्लैक कलर का है, ये सूट जो है ये कॉटन में है एंड काफी कंफर्टेबल, और इसका फैब्रिक काफी ब्रीथेबल है, मतलब पहनने के बाद बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, काफी कंफर्टेबल रहता है ये पहनने के बाद, तो इसलिए मुझे ये मेरा फेवरेट सूट है, 1 साल से मैंने इसको बहुत पहना है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसको मैं 20 से 25 बार वॉश कर चुकी हूँ, अभी तक इसकी ना तो स्टिचिंग खराब हुई है ना कुछ कलर इसका खराब हुआ है एंड कुछ भी नहीं, वर्क इसकी गोटा पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं निकली है, बहुत पहना मैंने ये सूट, तो ये पैसा वसूल सूट है मेरी नज़र में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, चलिए आपको बता देती हूँ मैं, इसके नेक पे आपको ऐसे बटन की डिटेलिंग मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा स्लीव्स इसके भी 3/4 हैं, ठीक है, एंड स्लीव्स पे आपको ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाएगी, बाकी सूट प्लेन है, कुछ भी नहीं है इसमें। इट्स अ प्लेन ब्लैक कुर्ता, प्लेन ब्लैक सूट रहेगी, ये भी प्लेन है, इसमें बस नीचे आपको गोल्डन कलर की गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाएगी। इस सूट का जो सबसे अच्छा पार्ट है वो है इसका दुपट्टा, लुक एट दिस, कितना रिच लुक देता है ये दुपट्टा एंड आई रियली लाइक दिस दुपट्टा एंड गाइस कैन यू बिलीव कि ये इतनी बार वॉश हो चुका है, मतलब आप ये देखिए, ये मैंने अभी ब्लैक सूट पहना हुआ है उसके साथ मैं इसको अगर लगा रही हूँ तब भी ये इसमें आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, 20 से 25 बार वॉश हो चुका है ये, और आप इसको ऑफिस में भी वेयर कर सकते हैं, घर में भी वेयर कर सकते हैं, कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं आप इसको वेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है। अभी मुझे याद बिल्कुल भी नहीं आ रही है बट मैं कोशिश करूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगी, इसकी प्राइस भी एंड इसका जो लिंक है वो भी सब मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एंड अगर आपको इनमें से कोई भी सूट पसंद आया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं परचेज लिंक डाल दूंगी, आप डायरेक्ट जाकर के वहां से परचेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं मिंत्रा के भी लिंक डाल दूँ और उसके अलावा लिबास की जो वेबसाइट है उनके भी लिंक डाल दूँ, मैं कोशिश करूंगी जितने लिंक मिल जाएंगे मुझे मैं वह सारे डालने की कोशिश करूंगी एंड अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रिव्यूज बनाती हूँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट के। तब तक के लिए यूज इंडियन प्रोडक्ट, बाय इंडियन प्रोडक्ट, बी वोकल फॉर लोकल, और मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर इंडियन ब्रांड, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।